टिहरी बांध की झील से प्रभावित भटकंडा, रोलाकोट और नंदगांव के ग्रामीणों ने विस्थापन की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि टिहरी झील के पानी के उतार चढ़ाव से गांव में भूस्खलन और भूदशाव की घटना हो रही है, जिससे ग्रामीण डरे हुए हैं। ग्रामीण लंबे समय से विस्थापन की मांग कर रहे हैं और अगर अब उनकी मांग नहीं पूरी होती है तो ग्रामीणों ने एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करने की बात कही है। लाइव उत्तराखंड के लिए नई टिहरी से सुभाष राणा की रिपोर्ट। परेशान से मकान हमारा ढल गया, बहर में बैठे हम सब लोग, रात बरखा होंगी हम बहर में बैठ जाना, दिन हम इधर उधर चल जाना, रात को हम तो दिक्कत होंगी बेटा, बहुत दिक्कत। अरे वो हमारी सुनाई नहीं करी, मकान टूट गया तब भी नहीं हमारी सुनाई होनी। तो क्या फिर से आंदोलन करेंगे? फिर हमें आईटीएम ऑफिस बाहर बैठिन बैठ दो, भूख हड़ताल पर सीधा। दस से लगातार इसकी विस्थापन की मांग कर रहे हैं, कई बार हम भूख हड़ताल, कई बार हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन टीएचडीसी और पुनर्वास विभाग सोया हुआ है। पिछली बार इन्होंने हमें गुम किया था कि हम आपका विस्थापन कर रहे हैं, ऑनलाइन जमीन कर दिए, हमने भूख हड़ताल तोड़ी थी और ना इन्होंने कहा था कि हम इस समय डबल इंजन सरकार है। हम लगातार हम ये मुख कर रहे थे कि आशा कर रहे थे कि डबल इंजन की सरकार आ गई है, हो सकता है हमारा विस्थापन हो जाए, लेकिन ढाई साल बीत चुके हैं, अभी तक कोई भी हमारी विस्थापन की मांग नहीं पूरी नहीं हुई। दिक्कत है, 2015 में उनको 70% भुगतान कर दिया गया, 30% धनराशि नहीं दी गई है, जबकि वहाँ दरारें पड़ रही हैं और उसके कारण जो लोग भयभीत हैं। मैंने जिलाधिकारी को आज लिखा है कि निश्चित रूप से ये जिले का मामला है और यदि कोई जनहानि होगी तो निश्चित रूप से सरकार की उसमें बदनामी होगी, इसको देख लिया जाए। जो टिहरी बांध के विस्थापन का मामला है, ये लंबे समय से हम इसमें समीक्षा कर रहे हैं, अभी हमने माननीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार से मैंने। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।